all the electrifying BSL 9 action live on eSports. Don't miss out. Tera vaada agar wafa hoga. Kuch andaaza hai tumhe kitni insult hui hai aaj meri Shayan ki wajah se. Kya kiya usne? Manager ki call aayi thi. वो अपनी हरकतों से अभी तक बाज नहीं आया, फिर से चोरी करता पकड़ा गया है वो। तुमने जो करना था ना वो तुमने कर लिया, अब मुझे जो शर्मिंदगी उठानी है ना वो मैं उठा लूंगी, क्योंकि मेरा कसूर ही है कि मेरे भाई तुम हो। हेलो, ओ तो सारा तुम्हारे साथ ही है ना? अली, सारा की तबीयत खराब हो गई है, वो बेहोश हो गई है, मैं उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। तेरा वादा अगर वफा होगा। अम्मी आप संभाले खुद को, अगर आप इस तरीके से रोएंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे जिस पाका इसके जैसा बेटा हो वो कैसे ठीक रह सकती। मैंने हमेशा इसे तुम सब पर तरजीह दी, इसके लाड उठाए ताकि ये मेरा सहारा बने, मगर ये हम सबके पैरों तले जमीन खींचने पर तुला हुआ। कभी चोरी करता है तो कभी सलाखों के पीछे बंद हो जाता है। सारा को हर बार इसकी वजह से अली के सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। अल्लाह पूछे इसे ना तो बहनों की शर्मिंदगी की कोई परवाह, ना ही माँ का कोई एहसास। ऐसा तुम भी क्या सोचती होगी, मैंने किस चोर उचक्के से तुम्हारी शादी करवा दी। बेटा मुझे माफ कर देना। बेटा अम्मी, मैं हर माँ की तरह मुझे भी यही उम्मीद थी कि ये सुधर जाएगा, और इसी आस के सहारे मैंने इससे तुम्हारी शादी करवा के तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद कर। अम्मी आप ये सब मत सोचे प्लीज। मैं क्यों ना सोचूं, जब बहू अपने घर में ना खुश हो तो बेटियां ससुराल में कैसे बस सकती है। वहां सारा अपने ससुराल के झमेलों में लगी रहती है, और मारिया वो भी घर आकर बैठ गई है। मेरे लिए तो मेरा बेटा आजमाइश बन गया, मगर इसकी करतूतों ने मेरी बेटियों की जिंदगियों को ही आजमाइश बनाकर रख दिया। मुझे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए थी। अम्मी मैं आप सबके साथ बहुत खुश हूँ, मैंने यहाँ रिश्तों को जिया है, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, ना आपसे ना किसी और से। शायर तुमने कदम न जानी इसकी। मैं आप सबको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं वाकई बदल चुका हूं। अम्मी मुझे अपनी गलतियों का एहसास है, मेरी बात सुनिए। मैं वाकई मैं तुमसे हजार मरतबा ये कहानियां सुन चुकी हूं, और अब मेरा तुम्हारी किसी बात पर भरोसा करने को दिल नहीं करता। चले जाओ तुम मेरी नजरों के सामने से शायद, मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहती। इससे कहो यहां से चला जाए। शायद तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। शायान भाई आप देख नहीं रहे हैं अम्मी की तबीयत कितनी खराब हो रही है, आप जाएं यहाँ से। अम्मी तुम जाते क्यों नहीं हो शायान? तुम जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, तुम जाओ। सीमा, कहाँ जा रही हो?
एक काम है, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। मेरी इजाजत के बगैर तुम कहीं नहीं जा सकते। सॉरी टू से, लेकिन इस तरह की पाबंदियों की आदि नहीं हूं मैं। शादी के बाद ना अपनी आदतें बदलनी पड़ती हैं। मैं मानती हूँ कि शादी के बाद बहुत कुछ बदलना पड़ता है, लेकिन सिर्फ वो जो जायज और हक हो। बिना वजह के आपको रोक टोक करनी ही नहीं चाहिए। सीमा, क्या हो गया? तुम मम्मी से ऐसे बात नहीं कर सकती। कैसे बात नहीं कर सकती? मैं तो सिर्फ अपने हक के लिए बोल रही। मुझे तुम्हारा ये अंदाज बर्दाश्त नहीं है सीमा। और मुझे बेजा रोक टोक बर्दाश्त नहीं। नगीन, से कहो बगैर बहस किए मुझसे अपने कमरे में चली जा। मैंने आपसे कहा ना कि मुझे काम से जाना है, जरूरी है। सीमा, क्यों बहस कर रही हो? अंदर चलो। नगीन, आप हमारे बीच में मत बोलो। और आंटी, आप समझने की कोशिश करें कि जोर जबरदस्ती से अपनी बात मनवाने में कोई बढ़ाई नहीं है। सीमा, जैसे मैंने कहा है ना तुमसे, वैसा करो। समझ गई? अगर आपको ऐसा लगता है कि इस घर में रहने वाले सारे फर्द आपकी सारी बातें बगैर किसी एतराज के मानेंगे, तो आज से पहले ऐसा होता होगा, लेकिन अब नहीं होगा, क्योंकि मुझसे ये रिस्ट्रिक्शंस बर्दाश्त नहीं होते। मुझे जहां जाना है मैं जाऊंगी, फिर चाहे आप इजाजत दें या ना दें। तो छोटे बड़े से बात करने का लिहाज ही नहीं है। ऐसे बात कर रही थी जैसे घर की असल मालिक ही खुद हो। सोचे अभी से ये हाल है तो एक बार कदम जम गए तो क्या करेगी? ये सब कुछ जो कर रही है ना, शहीर की शय की वजह से कर रही है। शहीर को फोन करो और कहो घर आने के लिए। हर बार शायान की वजह से आपके सामने शर्मिंदा हो जाती। समझ नहीं आ रहा कि शायान को कैसे समझाऊं कि अपनी हरकतों से बाज आ जाए। कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। प्लीज, मैं तुमसे इस बारे में बात नहीं करना चाहता। शौहर को शर्मिंदा होना पड़े और बीवी परेशान ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? सारा, मैं तुमसे कह रहा हूं इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं। इनफैक्ट गलती मेरी है, मुझे तुमसे ये मामला डिस्कस ही नहीं करना चाहिए था। आपका गुस्सा जायज था कि? मेरे गुस्से को जस्टिफाई करने की कोशिश मत करो। अगर गुस्सा करना ही था तो मुझे शायान पर करना चाहिए था, तुम पर नहीं। मैंने एक टिपिकल शोहरों की तरह तुमसे बदतमीजी की। तो शुक्र है कि रेहान तुम्हें वक्त पर यहाँ हॉस्पिटल में ले आया। रेहान? हाँ, रेहान तुम्हें यहाँ लेकर आया। इस बात पर मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूं। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं डॉक्टर से बात करने जा रहा हूँ, होपफुली थोड़ी देर में हम घर चले जाएंगे। हम ना बाजाएंगे मोहब्बत से, हम ना बाजाएंगे मोहब्बत से। ये अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैंने सबका दिल दुखाया, सिर्फ अपना सोचा, अपने लालच का सोचा। ये अल्लाह मुझे हिदायत, मुझे एक मौका दे दे, बस एक मौका दे दे, मुझे माफ कर दे, मुझे एक बार माफ कर दे। बहुत गुनाह किया मैंने, अपनी माँ, अपनी बहनों के साथ, सबके साथ बहुत बुरा किया। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, मैं भटक गया था, गुमराह हो गया था। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे। अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो। जाहिर है तुम एक चोर और चक्की के साथ क्यों रहना चाहोगी? मुझे शादी से पहले ही तुम्हें बता देना चाहिए था अपने बारे में, लेकिन मैं क्या,
कोई भी अपने मुंह से अपने गुनाहों का इतराफ कैसे कर सकता है? लेकिन तुम्हें पूरा इख्तियार है, अगर तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो। मैं इस पर तुम्हें नहीं रोकूंगा। क्यों नहीं रोकोगे? क्योंकि जाहिर है तुम एक चोर और चक्की के साथ क्यों रहना चाहोगी, क्यों अपनी जिंदगी खराब करोगी? मैं कोई नहीं हूं शाहान, बीवी हूं तुम्हारी। तुम माजी में जो भी थे, जैसे भी थे, भूल जाते हैं उस बात को। वैसे भी जब वक्त आगे बढ़ रहा है तो हम क्यों एक ही पॉइंट पे खड़े रहे? गलतियां इंसानों से ही होती है शार। तुम्हारी अच्छी बात पता है क्या, कि तुम उन गलतियों को सुधारना चाहते हो। मैं तो चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि किस्मत मुझे ये मौका कभी नहीं देगी। ना ही मेरी अम्मी या घर के किसी फर्द को लगता है कि मैं बदल सकता हूं। उन सबका भरोसा उठ चुका है मेरे से ऐसा। क्योंकि शायान तुमने तोड़ा है उनका भरोसा, और टूटे हुए भरोसे को वापस जीतने में वक्त लगता है शायान। लेकिन तुम दिल बर्दाश्त मत, मैं हूं तुम्हारे साथ शायान, मैं हूं। जी अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई। जी मैं आता हूँ। ओके अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? रेहान भाई की कॉल थी, बुला रहे थे। क्या बता रही? क्या हुआ माँ, खैर तो है? आपने इतनी जल्दी में बुलाया। तुम्हारी दूसरी बीवी इस घर में रहकर अपनी मनमानी नहीं कर सकती। उसे अच्छी तरह से समझा दो कि इस घर के कोई तौर तरीके हैं, उस पर उसे चलना होगा। हुआ क्या है माँ? मेरे मना करने के बावजूद वो कहीं चली गई बाहर, और बदतमीजी अलग। माँ सैम एक ब्रॉड माइंडेड और आउटगोइंग लड़की है, मेरे ख्याल में तो आपको उसको बाहर जाने से रोकना ही नहीं चाहिए था। उसे इस तरह की पाबंदियों में रहने की बिल्कुल आदत नहीं है। आदत डालनी पड़ेगी शहीर, वरना ये दरवाजा खुला हुआ है। बाप मुझे और मेरी बीवी को मेरे ही घर से नहीं निकाल सकते। शहीर, ये घर तुम्हारे नाम पर नहीं है, जिसके हकदार बने फिर रहे हो तुम। तुम्हारे बाबा ये घर मेरे नाम कर कर गए थे। अगर मैं चाहूं ना तो वकील को बुलाकर सब चीजों से तुम्हें बेदखल कर सकती हूँ। आप ऐसा नहीं करेंगी। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे बेबस और मजबूर मत समझना। औलाद के प्यार और लिहाज में मैं चुप रही हूं, लेकिन मेरी इस चुप को ना कमजोरी समझने की गलती कभी मत करना। और रही बात बिजनेस की, तो उसमें अली बराबर का हकदार है। मैं तुम्हें अकेले उस पर कब्जा नहीं करने दूंगी शहीर। मां अपनी चीजों पर कब्जा नहीं किया जाता। इस घर पर भले आप अपना हक जता सकती हैं, लेकिन ये बिजनेस मेरा अपना बनाया हुआ है, अपना ग्रो किया हुआ है। इसमें आपको मैं बिल्कुल मुदाखलत करने की कोई इजाजत नहीं दे सकता। जमे जमाए बिजनेस को अपना नहीं कहा जा सकता। मुझे लगता है तुम्हें बहुत सी गलत फहमियां हैं शहीर, जिन्हें दूर करना बहुत जरूरी हो गया है, वरना ऐसा ना हो कि सब चीजों पर काबिज होने की ख्वाहिश तुम्हें खाली हाथ कर दे। मेरे भाई को मौत के दहाने पर पहुंचाकर कितना इत्मीनान से बैठी हो तुम। नहीं सैम, मैं भी बिलाल के लिए बहुत परेशान हूं। परेशानी तो नजर नहीं आ रही तुम्हारे चेहरे पर। पहले तुम्हारी ख्वाहिशों ने और लालच ने मेरे भाई की इज्जत को खाक में मिला दी,
अब क्या मेरे भाई को भी खाक में मिलाना चाहती हो तुम? मैं तो खुद खाक हो गई हूँ जैन। मेरी लालच और मेरी ख्वाहिशों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, सब कुछ खत्म कर दिया, सब बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हारे इन ड्रामों में नहीं आने वाली, अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम्हें। अपना मकसद हासिल करना बहुत खूब जानती हूँ और अपने रिश्ते इस्तेमाल करना भी खूब आता है तुम्हें। इसीलिए तुमने सारा को मेरे आगे कर दिया कि वो तुम्हारा मुकदमा लड़े, कि मैं अपने भाई को राजी करूं कि वो तुम्हें वापस अपना ले। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, बल्कि मैं बिलाल से कहूंगी वो पहली फुर्सत में तुम्हें डाइवोर्स दे। आपको शर्त कहने की भी जरूरत नहीं पड़ी सहन, क्योंकि वो मुझे डिवोर्स देने के लिए पहले ही तैयार है। ये ठीक कह रही है, बट ये तो शायद खुदा को उस दिन मंजूर नहीं था और मेरी तबीयत का बहाना बन गया, वरना ये तो उसी दिन उजड़ गई थी। जितना गुस्सा बिलाल के चेहरे पर था उससे कहीं ज्यादा नफरत उसके लहजे में थी मारिया के लिए। सैम, मैं जानती हूँ मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, आप पे झूठे इल्जाम भी लगाने, बिलाल की नजरों में आपको गिराने के लिए हर हद पार की है। मैंने हमेशा रिश्तों को इस्तेमाल किया है, लेकिन अब और नहीं। जिंदगी ने जो धचका मुझे दिया है उसके बाद मुझे एहसास हुआ है अपने गुनाहों का, अपनी गलतियों का। सैम, मैं हाथ जोड़ के आपके सामने माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दी। तुम क्या कर रहे? तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं बेटा। जिस दिन से बिलाल गया मेरी बेटी बहुत परेशान, एक लम्हा भी जो उसे सुकून का नसीब हुआ, हर वक्त इसको बिलाल की फिक्र खाए जाती। हो सके तो मेरी बेटी का घर उजड़ने से बचा। नहीं उजड़ता आपकी बेटी का घर, हौसला करें। हौसला तो औलाद को खुश देखकर मिलता, जिसकी बच्ची की आंखें नम हो और चेहरे पर से उदासी हो वो माँ तो अंदर ही अंदर खत्म हो जाती। तुम्हें भी रोने की जरूरत नहीं है, मैं बिलाल को समझाऊंगी। लेकिन अगर वो नहीं माना तो? उसे मानना पड़ेगा। मैं जानती हूं बिलाल को, तुमसे दूर जाके वो भी नहीं जी सकेगा, बहुत प्यार करता है तुमसे। बिलाल, ये तुम क्या कर रहे हो? पागल तो नहीं हो गए? काश के पागल ही हो जाता, कम से कम इस अजियत से तो ना गुजरना होता। सर क्या से क्या बना दिए मुझे मेरे प्यार ने, सर सही गलत सब फर्क मिटा दिया। आपसे रूड हुआ, सारे रिश्ते तोड़ दिए सर। बस याद रहा तो नफरत का ताल्लुक, जिसे निभाता रहता अगर फिर भी आंखें ना खुल जाती। जो कुछ हुआ उसे मत दोहराओ, भूल जाओ। कैसे भूल जाओ अपनी गलतियों को सैम? मुझे याद है आप कितना रोई थी तन्हाई के खौफ से। मैं भूल नहीं सकता कि जब आपको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी आपको अकेला छोड़ दिया। मामा बाबा भी क्या सोचते होंगे कि इतना घटिया इंसान
जो एक इकलौते रिश्ते को नहीं निभा पाए, ऐसे इंसान को मर जाना चाहिए सर। जीने का कोई हक नहीं। हालात से फरार बुजदिल लोग तलाश करते हैं बिलाल, और तुम बुजदिल नहीं हो। जाने अनजाने में तुमसे जो भी गलतियां हुई उन्हें फेस करो। से फेस नहीं किया जा रहा सैन, बाहर निकलता हूं तो लोग नफरत और गुस्से से घूरते हैं, मुझ पर जुमले कसते हैं। मारिया की खुशियां पूरे करते करते ऐसे मुकाम पर आ खड़ा हूं मैं, खुद से नजरें मिलाने के लायक नहीं रहा सैन। गलतियां इंसानों से होती हैं बिलाल। हाँ होती हैं गलतियां सैन, लेकिन उनसे जो हुआ ना वो गुनाह है, गुनाहों की सजा होती है सर। इसलिए मैंने फैसला कर लिया, मैं मारिया को डिवोर्स पेपर्स भिजवाऊंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे बिलाल, वो पहले ही बहुत बिखरी हुई है। यहां आने से पहले उसी के पास गई थी उसे आईना दिखाने के लिए, एहसास दिलाने के लिए, लेकिन वो बिल्कुल बदल गई है। मैं भी बदल गया हूं सैम, भी जिस पर जान देता था उससे रिश्ता तोड़ना चाहता हूं। तुम मारिया को नहीं छोड़ोगे बिलाल? सैम क्या आप भूल गई हैं कि उसने कैसे हमारे दरमियान दूरियां डाली थी? उसने जो किया वो उसमें शर्मिंदा है बिलाल। तो क्या शर्मिंदगी से अपनी गलतियों का अजाला हो जाता है सैम? अजाला ना भी हो तो कम से कम उन्हें माफ करने से सुकून तो आ जाता है ना। तुम जो इतना बेचैन और परेशान हो, शायद तुम्हारे दिल को करार आ जाए, और मैं भी चाहती हूं कि वो यहां वापस आ जाए, क्योंकि तुम्हारा अकेलापन मुझे हमेशा परेशान रखेगा। तुम चाहते हो कि मैं परेशान रहूं? तो फिर बस बिलाल उसे ले आओ। मैं आपके कहने पर उसे वापस तो ले आऊंगा सा, लेकिन प्लीज उसके बाद मुझे फोर्स मत कीजिएगा कि मैं उसे वही मकाम और अहमियत दूं जो पहले कभी था। वो जब वापस आ जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा सा, सब खत्म हो गया, कुछ बाकी नहीं रहा। मालिया जूस आया। थैंक यू। तेरा वादा अगर वफा होगा। कुछ खाने पीने का दिल नहीं कर रहा अम्मी। बेटा थोड़ा सा तो खा लो, तुमने सुबह से कुछ भी ढंग से नहीं खाया। अम्मी आपको लगता है कि बिलाल सैम की बात मान ली? क्यों नहीं मानेंगे फोन की बात, वो जरूर मानेंगे। वैसे भी जब आप सही रास्ते पे चल पड़ते हैं तो राह की मुश्किलात और रुकावटें खुदा खुद ही हल कर देता है, जरूर मानेंगे। भाभी ठीक कह रही है मारिया आपी, और आप देखिएगा इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आयजा मैंने तुम्हारे साथ भी बहुत गलत किया है, बहुत दिल दुखाया है तुम्हारा, तुम भी मुझे माफ कर दो। वैसे मारिया आपी हर्ट तो आपने मुझे भी बहुत किया है, आप क्या तुम्हारे सामने भी हाथ जोड़कर माफी मांग ले? नहीं मैं तो ऐसे ही कह रही थी मजाक में, मारिया आपी का मूड अच्छा करने के लिए। आयजा शायद नहीं नजर आ रहा, कहाँ गया है? अम्मी वो रेहान भाई ने बुलाया था उन्हें। रेहान ने क्यों बुलाया उसे? पता नहीं अम्मी,
वैसे शायान काफी बदल गया है। तुम कुछ भी कह लो आयजा, मुझे शायान की किसी बात पर अब कोई एतबार नहीं रहा। कई बार इसी बदलने की बात पर अपनी औलाद से धोखा खा चुकी। अम्मी इस बार धोखा नहीं दे रहे शायान। भाभी सही कह रही है अम्मी, और शायद इसीलिए उन्होंने भाभी को जॉब करने से भी मना कर दिया। अम्मी जहाँ इतनी बार यकीन किया है, एक मौका और सही प्लीज। शुक्रिया। क्या किया तुमने ऐसा जिसकी वजह से सारा कोहली के सामने शर्मिंदा होना पड़ा? आपको कैसे पता कि मैंने फिर कुछ किया? बात कर रहे थे वो हॉस्पिटल में, सुना था मैंने। हॉस्पिटल? सारा हॉस्पिटल है क्या? अब तो ठीक है, वो मेरे ख्याल से अब तक घर भी आ गई होगी। उसकी बातों से लग रहा था कि पहली दफा नहीं हो। दरअसल पहले एक दफा चोरी करते हुए पकड़ा गया था मैं, थाने से अली भाई ने छुड़वाया था। और इस दफा क्या किया? अली भाई ने अपने दोस्त को कह के जॉब लगवाई थी मेरी, लेकिन वहां भी मुझे जो मौका मिला मैं हेरा फेरी करता रहा। लेकिन आयजा से शादी के बाद और अम्मी की सर्जरी के बाद मैं वाकई बदल चुका हूं। मैंने दिल से तौबा कर ली है रेहान भाई, लेकिन मेरी किस्मत देखी, जैसे मैं सुधरा तो मेरी ये पुरानी चोरियां, मेरे गुनाह मेरे सामने आ गए, मेरे गले पड़ गए। 3 लाख रुपए देने, एक हफ्ते के अंदर कहां से आएंगे, क्या होगा मुझे कोई अंदाजा नहीं। अगर ना दिए तो पुलिस के हवाले कर देंगे मुझे। मेरा यकीन करें रेहान भाई, मैं पहले वाला शायान नहीं रहा, मैं वाकई बदल चुका हूं। लेकिन क्या कर, पहले इतने झूठ बोल चुका हूं कि मेरी अम्मी, मेरी बहनें, इवन मेरी बीवी मेरे पे यकीन करने को तैयार नहीं है। एक बार अगर एतबार खो दिया जाए ना, तो यकीन दिलाते पूरी उम्र गुजर जाती है शायान। पूरी उम्र लगा दूंगा यकीन वापस जीतने के लिए, तब उनकी आंखों में बेएतबारी नहीं देख सकता। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं अपनी कंपनी में तुम्हें जॉब ऑफर करता हूं। लेकिन इस बार अगर कोई गड़बड़ की तुम, याद रखना मैं खुद पुलिस के हवाले करूंगा तुम। ऐसा कुछ नहीं होगा रेहान भाई, मरते मर जाऊंगा लेकिन आपका एतबार नहीं तोड़ूंगा। देखते हैं अपनी बात के कितने सच्चे साबित होते हो तुम। आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा रेहान भाई। और पैसों की फिक्र मत करना तुम, मैं फिक्र दूंगा। आपको अंदाजा नहीं कि आपने मेरी कितनी बड़ी टेंशन खत्म कर दी है। मैं यही सोच रहा था कि कहां से लाऊंगा पैसे, कैसे मैनेज करूंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। और ना ही मेरे में इतनी हिम्मत थी कि मैं आयजा से ये कह सकूं कि अपनी गाड़ी बेच के मुझे कुछ पैसे दे सके। आयजा काफी केयरिंग है, मुझे यकीन है कि तुम्हें ये कहने की जरूरत ही ना पड़े, खुद से ऑप्शन दे देती तुम्हें गाड़ी सेल आउट करने की। कदर करो उसकी, हो सके तो कोशिश करना कि उसे कभी भी तुमसे शादी करने पर पछतावा ना हो। ऐसा कभी नहीं होगा इंशाल्लाह, उसे मैं इतनी खुशियां दूंगा कि ये ख्याल उसके वहमो गुमान में भी नहीं आएगा। थैंक यू नेहान भाई। कहां थी तुम दिन भर से? इस घर में तो बहुओं को आजादी मिली हुई है, जब चाहे जहां चाहे चली जाती हैं, ना पूछने की तौफीक है और ना ही बताना गवारा। ऐसी बात नहीं है वो, सारा की तबीयत खराब हो गई थी, डॉक्टर के पास सही आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब खुद से ज्यादा दूसरों के मामलात बिगाड़ने की फिक्र होगी तो ये परेशानियां तो आएंगी। आंटी सैम की शादी से मेरा कोई लेना देना नहीं है,
मैं अपनों को धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। यही तो बात है कि तुम सोचती नहीं हो। अगर तुम मुझे ये खुशी नहीं दे रही होती ना, तो यकीन जानो इस घर के दरवाजे तुम पर बहुत पहले बंद हो जाते। क्या हो गया आपको माँ? डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है कि सारा को बिल्कुल कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। तुम मुझसे क्या कह रहे हो? अपनी बीवी को समझाओ ना कि खुद भी सुकून में रहे और हमें भी रहने दे। मुझे ये बताओ, ये तुम मामूली नौकरी कब तक करते रहोगे? जब तक मैं सेट नहीं हो जाता तब तक करूंगा। अपना बिजनेस होते हुए नए सिरे से मेहनत करने की क्या जरूरत है ली? आप शायद भूल रही हैं, ये मेरा नहीं भाई का बिजनेस है। अली, वो शहीर का बिजनेस नहीं है, तुम्हारे बाबा ने इस बिजनेस को खड़ा किया था। हाँ, ये बात जरूर है कि इस बिजनेस की बुनियादें मजबूत शहीर ने जरूर की हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि वो इसका अकेले हकदार बन जाए। इसलिए तुम ऑफिस जाना शुरू करो ताकि जो शहीर को खुशफहमियां हुई है ना, वो दूर हो सके। आंटी ठीक कह रही हैं अली, आपको ऑफिस जाना चाहिए ताकि शहीर भाई को एहसास हो कि वो गलत हैं। मैं इस किस्म के किसी झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। बात झगड़ों में पड़ने की नहीं हो रही, बात जो इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं उनको हल करने की हो रही है। शहीर भाई को अगर लगता है कि आप लिहाज में बिजनेस से अलग हो गए हैं तो आपका उस पर हक नहीं है, तो यहाँ वो गलत हैं और आपको उन्हें एहसास दिलाना होगा। अली, सारा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जो मामला बिगड़े हैं ना उसे एहसास दिलाए बगैर वो ठीक नहीं हो सकते। वाले जूस आए। थैंक यू। क्या हुआ, तुम पी नहीं रहे? पता नहीं तुमने कुछ ठीक से खाया भी या नहीं। क्या बात है सीमा, तुम परेशान लग रही हो। कुछ नहीं, बस बिलाल की तरफ से परेशान, वो काफी स्ट्रेस्ड लग रहा था। फिक्र नहीं करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आई विश, कैसे ही हो। वैसे सीना, तुम्हें अम्मी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने कुछ गलत नहीं कहा ना कि, सिर्फ उन्हें एहसास दिलाया है कि मैं उनके प्रेशर में आने वाली नहीं। वैसे भी आपको पहले ही दिन बता देना चाहिए कि आप कितना बर्दाश्त कर सकते और कहाँ आपकी हद खत्म होती। से सामने वाला फिर दोबारा आपको कुछ भी कहने से पहले हजार बार सोचते। तुम्हें अपने शौहर की सपोर्ट है ना, इसलिए कह सकती हो। मैं तो ये सब कुछ करने का सोच भी नहीं सकती। नगीन, तुम भी ऐसे कर सकती। इसके लिए शौहर की सपोर्ट नहीं, खुद कॉन्फिडेंट होना चाहिए। नहीं सीना, जब शौहर का साथ नहीं हो तो बीवी पुरअतमाद हो ही नहीं सकती है। हर वक्त बस डर लगा रहता है कि शौहर को कोई बात बुरी ना लग जाए, कोई इशू ना बन जाए। और जब शौहर का प्यार होता है ना तो बहुत से डर खत्म हो जाता है। शायद तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हारी इनसिक्योरिटीज गलत नहीं है। हमारी मैरिड लाइफ में मुझसे बहुत सी गलतियां हुई हैं जिनका अजाला तो शायद मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आइंदा ये गलतियां ना हो। जो कुछ तुमने मेरे लिए किया है उसके बाद कुछ फर्ज तो मुझ पे भी बनता है।
तब तुम्हें भी कॉन्फिडेंट होना चाहिए। आई एम सो सॉरी नगीन, तुम स्पेशली मेरे लिए जूस बनवा कर लाई थी और वो गिर गया। कई बातें, मैं तारा को भेज देती हूँ, वो सफाई कर दी। कोई बात नहीं, इट्स ओके। तुम मुझे एटलीस्ट इन्फॉर्म तो कर देती कि घर में तुम्हारे जाने पर इशू बना था। शहीद, मेरी आदत नहीं है कि मैं शिकायतें लगा, और ऐसे छोटे मोटे इश्यूज तो मैं खुद भी मैनेज कर लूंगी। हाँ आई नो वो तो ठीक है, लेकिन माँ काफी गुस्से में थी, प्लीज आइंदा ख्याल रख लेना। शहीद, तुम मुझे जानते हो, मैं इस तरह जरा जरा सी बातों के लिए इजाजत तो नहीं ले सकती ना। तुम्हें आंटी को समझाने की जरूरत है कि वो मुझे नगीन की तरह ट्रीट मत करे। मेरी अलग पहचान है और मैं घर के साथ बाकी सारी चीजें मैनेज कर लूंगी, लेकिन ये फजूल की पाबंदियां मुझसे बर्दाश्त नहीं होंगी। आई एग्री विद यू, मैं माँ से बात करूंगा। ओके। जी सैम। बिलाल, तुम गए नहीं मारिया को लेने? मैं पहुंच गया हूं सिनिंग। अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ बेटा, बस मेरी औलाद खुश रहे तो शायद चंद दिन जी लूं। बिलाल बेटा देखो, मैं जानती हूँ मारिया से गए हो। विंटी प्लीज, मैं नहीं चाहता कि हमारे मामले में कोई और कुछ भी बोले। मारिया ने जो किया, मैंने जो कुछ बर्दाश्त किया, और शायद जिंदगी भर मुझे लोगों की नफरत बर्दाश्त करनी पड़ी, मेरा सारा करियर खत्म हो गया। और ऐसे पॉइंट पर जब इंसान सिफर पर खड़ा हो तो लोगों की बातें खलती हैं, गुस्से में मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाता है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ ऐसा कहूं जिससे आप हर्ट हो। इसलिए प्लीज हमारे मामले में कुछ ना कहिएगा। बिलाल, तुम जाओ तैयार होकर। मुझे 5 मिनट दो, मैं बस तैयार होकर आ रही हूं। तेरा वादा of PSL 9 live on A Sports.